नमस्कार, मैं अनुष्का। आज है 21 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पर्यटकों के लिए सरकार करने जा रही है यह नई पहल। मोबाइल ऐप के जरिए हो सकेगी पथ निर्माण विभाग की निगरानी। बिहार के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए मांगे जाएंगे सुझाव। शहीद कैप्टन आनंद के अंतिम संस्कार में उमरा शहर। 13 पायदानों की उछाल के साथ हार्दिक पांड्या ने टॉप 10 में मारी एंट्री। तो आइए बढ़ते हैं बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पर्यटकों के लिए सरकार करने जा रही है यह नई पहल। बिहार में हाल के दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, खास करके राजगीर और बोधगया देशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों का भी केंद्र बन गया है। इसे देखते हुए सरकार भी उनकी सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था लागू कर रही है। इसे लेकर अब राजगीर और बोधगया में पर्यटन पुलिस बहाल करने की तैयारी हो रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार DGP SK सिंघल ने सितंबर से यहां पर्यटन पुलिस की इकाई गठित करने का निर्देश वरीय अधिकारियों को दे दिया है। इसके लिए सितंबर से पहले ही इन दोनों जिले में क्षेत्रीय स्तर पर योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको बता दें कि पर्यटन पुलिस के लिए नीली जैकेट ड्रेस कोड तय किया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली की। बिहार के लाल गोपाल सिंह नेपाली हिंदी और नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हुआ था। उनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह था। उन्होंने बम्बैया हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे। वे एक पत्रकार भी थे जिन्होंने रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 1962 के चीनी आक्रमण के समय उन्होंने कई देशभक्तिपूर्ण गीत और कविताएं भी लिखी, जिनमें कल्पना, नीलिमा, नवीन, कल्पना करो आदि बहुत प्रसिद्ध है। 17 अप्रैल 1963 को इनका निधन हो गया था। मोबाइल ऐप के जरिए हो सकेगी पथ निर्माण विभाग की निगरानी। बिहार में अब पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की निगरानी मोबाइल के जरिए भी हो सकेगी, जिससे कि योजनाओं के काम में लापरवाही नहीं देखने को मिलेगी। इसके लिए बीते दिन ही पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने रोड मेंटेनेंस एप्लीकेशन और मुख्यालय स्थित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का शुभारंभ किया। यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जो iOS और एंड्रॉयड दोनों पर काम करेगा। नितिन नवीन ने बताया कि वर्तमान में यह व्यवस्था OPRMC/MBD ACRR नामा आधारित 13,064 किलोमीटर लंबाई में 43 पथ प्रमंडल अंतर्गत सभी 72 पैकेजों के पथों में लागू किया जा रहा है। NPCIL ने ट्रेड अप्रेंटिस के 75 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL ने ट्रेड अप्रेंटिस के विभिन्न ट्रेड में कुल मिलाकर 75 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.npcil.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। शहीद कैप्टन आनंद के अंतिम संस्कार में उमरा शहर। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में घटना में शहीद हुए बिहार के लाल कैप्टन आनंद का बीते दिन राजकीय सम्मान के साथ खगड़िया में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके पैतृक गांव खगड़िया के शिरोमणि गांव में हजारों की संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी, तो वहीं परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल दिखा। इस दौरान अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा थामे भारत माता और वीर शहीद के जय जयकार करते दिखे। साथ ही शहीद कैप्टन अमर रहे के नारे से पूरा रास्ता रहा। आपको बताते चले कि शहीद का अंतिम संस्कार परवत्ता प्रखंड के अगुवानी गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके पिता, जो कि बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने अपने बेटे की शहादत पर गर्व होने की बात कही। प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज, गर्मी से लोगों को मिली राहत। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। बुधवार को प्रदेश में हुई बारिश के बाद से मौसम सुहाना हो गया। राजधानी पटना में करीब 1.5 घंटे तक बारिश होती रही। प्रदेश में रूठे मानसून की वजह से लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन प्रदेश में हुई बारिश के बाद से ही लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। उधर किसानों के चेहरे पर थोड़ी खुशी देखने को मिली है। आपको बता दें कि प्रदेश के दक्षिण के जिलों में तेज धूप के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी में कहा गया है कि पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में 1 से 2 स्थानों पर बारिश के साथ साथ वज्रपात होने की संभावना है।
बिहार के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए मांगे जाएंगे सुझाव। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक माहौल बनाने और परीक्षा को समय से किए जाने के मुद्दे पर बीते दिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुंह खोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक माहौल में सुधार के साथ साथ वहाँ की कक्षाएं और परीक्षाएं नियमित करने के लिए शिक्षा विभाग कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों से उम्मीद की जाती है कि वे उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग करें और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाएं। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं और सेमिनार प्रत्येक विभाग द्वारा आयोजित किया जाए, जिसमें सभी कॉलेजों की सहभागिता सुनिश्चित हो। इसके लिए समय समय पर सुझाव भी लिए जाएंगे, जिसे लेकर सभी विश्वविद्यालयों की कार्यशालाएं विभाग द्वारा आयोजित होंगी। इसी क्रम में आज ज्ञान भवन में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। बिहार एसएससी ने छात्रों को दिया एक और मौका। हाल ही में सचिवालय सहायक भर्ती को लेकर बीएसएससी ने आवेदन मांगे थे, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। हालांकि अप्लाई करने में कभी कभी चूक भी हो जाती है, जिससे आवेदन रद्द भी कर दिए जाते हैं और खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में बीएसएससी ने अभ्यर्थियों को एक और चांस दिया है, जिसके तहत जिन अभ्यर्थियों से आवेदन करने के समय गलती हुई वे सुधार के लिए आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in या फिर www.onlinebssc.com पर कर अनुरोध पत्र लिखेंगे और जिस कॉलम में त्रुटि हुई है उस कॉलम को लाल इंक के कलम से घेर कर सुधार हेतु आवेदन करेंगे। आपको बता दें कि अभ्यर्थी फॉर्म में हुए गलतियों को 22 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक कर सकते हैं। इसके साथ ही स्व अभिप्रमाणित दस्तावेज की फोटोकॉपी भी अटैच करनी होगी। हालांकि आयोग ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में किसी भी तरह का सुधार नहीं होगा। बिहार के लौरिया नंदनगढ़ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। लौरिया नंदनगढ़ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का एक छोटा सा नगर है, जहां सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक विशाल स्तंभ है। यह नगर नरकटियागंज से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है। मौर्य साम्राज्य के बहुत से ध्वंस अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। गांव का नाम वहाँ खड़े अशोक के एक स्तंभ और स्तंभ से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में नंदनगढ़ के स्तूप के टीले से मिलता है। स्तंभ पर अशोक के शिलालेख स्पष्ट और सुंदर कटे हुए अक्षरों में अंकित है। सहरसा में हेडमास्टर के तबादले पर बच्चों के रोने का वीडियो हुआ वायरल। गुरु और शिष्य का रिश्ता प्राचीन समय से ही पवित्र है और इनका बिछड़ना उतना ही भावुक होता है जैसे कोई अपने से बिछड़ गया। ऐसा ही वाकया हुआ सहरसा जिले में। यहां सरकारी स्कूल के एक हेडमास्टर का जब ट्रांसफर हुआ तो विदाई समारोह में छात्र छात्रा फूट फूट कर रोने लगे, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सोनपुरा मध्य विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां के प्रिंसिपल राजीव कुमार सिंह का तबादला होने पर स्कूल प्रांगण में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। बताया गया है कि महज 6 महीने पहले ही राजीव कुमार सिंह का तबादला प्रिंसिपल के तौर पर मध्य विद्यालय सोनपुरा में हुआ था। इस दौरान अपने कार्यकाल में न सिर्फ स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने मजबूत किया, बल्कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाले योजनाओं का भी विद्यार्थियों को भरपूर लाभ मिला। ऐसे में सभी के साथ उनका खासा जुड़ाव हो गया था। ग्रुप डी की परीक्षा में बिहार से 19 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। रेलवे भर्ती सेल के लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में बिहार से करीब 19 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। आपको बता दें कि यह परीक्षा 17 अगस्त से शुरू होनी है, जिसमें देश भर से करीब 1,15,00,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, जिसमें 19 लाख अभ्यर्थी केवल बिहार से हैं। इस परीक्षा के बाद कुल 1,03,769 पदों पर नियुक्ति होनी है। आरआरबी की ओर से अधिसूचना के अनुसार ग्रुप डी में रेलवे से सीसीए करने वालों को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। वहीं इसमें पहले से प्रावधान किया गया है कि 20% सीटें आईटीआई वालों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त छात्र अगर अपनी मेरिट से ऊपर आते हैं तो भी चयन होगा। बिहार एसएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों ने किया जमकर हंगामा। बीते दिन राजधानी पटना में स्थित बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 2014 में निकले पदों पर भर्ती करने को लेकर किया गया था। जानकारी के मुताबिक आक्रोशित छात्रों का कहना है कि 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के तहत 13,120 पदों पर बहाली निकाली गई थी, जिसके बाद हाल ही में करीब 8 सालों के बाद रिजल्ट निकाला गया, जिसमें 2,000 सीटों पर बहाली ही नहीं हुई। तो वहीं 1778 छात्रों को काउंसलिंग के बाद मेरिट लिस्ट से बाहर कर देने की भी बात कही। अभ्यर्थियों ने कहा कि फिजिकल पोस्ट के लिए फिजिकल का मौका नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों ने इस दौरान बचे हुए सीटों पर जल्द से जल्द भर्ती कराने की मांग की, नहीं तो सरकार को आंदोलन करने का अल्टीमेटम भी दिया।
बक्सर के मुरली मनोहर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से हुए सम्मानित। बक्सर जिले के डुमराव के रहने वाले लेखक मुरली मनोहर ने लेखन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि पाकर बिहार का नाम रोशन किया। उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर शोध परक पुस्तक लिखने के लिए मिला है, जो कि साल 2008 में प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के 4 संस्करण का प्रकाशन हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से यह किताब बेस्ट सेलर बायोग्राफी में भी शामिल है। जानकारी हो कि खुद सीएम नीतीश कुमार ने 15 नवंबर 2009 को इनकी किताब का विमोचन किया था। आपको बता दें कि मुरली मनोहर भाईचारे के प्रतीक के तौर पर नवरात्रि छठ के अलावे पिछले 24 सालों से रोजा भी रख रहे हैं। इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि के लिए यूनाइटेड किंगडम में नामित भी किया गया है। बिहार के एयरपोर्ट को लेकर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने राज्य के तमाम एयरपोर्ट से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एयरपोर्ट के सुधार को लेकर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। इस दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बिहार के एयरपोर्ट के सुधार पर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। इस दौरान बिहार में अन्य राज्यों की तरह ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का भी मुद्दा उठा, जिसके लिए छपरा में पर्याप्त और सस्ती भूमि होने की बात कही गई। मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बिहार की मिताली प्रसाद करेंगे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी फतह। बिहार के नालंदा की रहने वाली पर्वतारोही मिताली प्रसाद राज्य का नाम रोशन करने की राह में एक और कदम बढ़ाने जा रही है। अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटियों को जीतने के बाद अब यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर फतह करने जा रही है। इस दौरान बीते दिन जदयू मंत्री श्रवण कुमार ने उनसे मुलाकात कर उन्हें यूरोप की चोटी पर फतह करने के लिए रवाना किया। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मिताली के जज्बे को सबको सलाम करना चाहिए, हर घर में इनके जैसी बेटी हो। उन्होंने कहा कि घर घर की बेटी यदि ठान ले तो उनके सपने पूरे हो सकते हैं, वे आगे बढ़ सकते हैं। मंत्री ने मिताली को शुभकामनाएं देते हुए सफलता की कामना की। जीएसटी बढ़ाने के फैसले पर तेजस्वी यादव का सरकार पर जोरदार हमला। बिहार में जीएसटी की नई दरें सोमवार 18 जुलाई से लागू हो गई, तो वहीं दूसरी ओर वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा कि चुनाव में देश का तथाकथित भाग्य विधाता बन गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी समाप्त करने का दिवा स्वप्न दिखाने वाले अब आजादी के बाद प्रथम बार अनाज और कफन पर भी टैक्स लगा आम आदमी का जीना मोहाल कर रहे हैं, तथा खास पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ का टैक्स माफ कर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। जीएसटी बढ़ाने वाली सरकार कमरतोड़ महंगाई और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी पर चर्चा तो दूर, उसका जिक्र भी नहीं करना चाहती। केस की त्वरित सुनवाई को लेकर उद्योग मंत्री ने न्यायालय से किया अनुरोध। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीते दिन प्रबल दत्ता की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। यह मामला साल 2009 का है। मंत्री शाहनवाज हुसैन कोर्ट पहुंचे, लेकिन एक अन्य आरोपित मंटू मोदी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण बयान नहीं हो सका, जिसके बाद मंत्री शाहनवाज हुसैन ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उनका केस अलग करके सुनवाई किया जाए, लेकिन न्यायालय ने बयान के लिए दूसरी तारीख को तय कर दिया। बता दें कि 2009 में दर्ज हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता के केस में मंत्री हुसैन जमानत पर चल रहे हैं। अदालत मुकदमों के त्वरित निष्पादन को लेकर मुकदमों की तारीखों में सदैव उपस्थित होने का दिशा निर्देश जारी कर रखा है। जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा वीआईपी पार्टी का हाथ। बिहार जदयू को बीते दिन बहुत बड़ा झटका मिला। दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी में बीते दिन सैकड़ों जदयू कार्यकर्ताओं ने अपना भरोसा दिखाया। बताते चले कि गोपालगंज के रालशन होटल में मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर मुकेश सहनी ने जदयू नेता आलोक कुमार पटेल को वीआईपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आलोक कुमार पार्टी के प्रति निष्ठावान रहते हुए पार्टी के समाज हित के कार्यों को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाएंगे। वीआईपी आने वाले चुनाव में गोपालगंज में बेहतर प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि आलोक कुमार पटेल ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ जदयू छोड़कर विकासशील इंसान पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्रम संसाधन मंत्री का बयान, पीएफआई को किया जाए बैन। पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियां मिलने के बाद से बिहार में हड़कंप मच गया है। खास करके आईबी की रिपोर्ट में भाजपा के नेताओं को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उससे तो और भी हलचल मच गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूचना के मुताबिक बिहार के कई भाजपा नेता और सामाजिक तत्वों के निशाने पर है। इस पर बिहार के श्रम संसाधन मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। अगर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की प्रामाणिकता आ जाती है तो देश की सर्वोच्च
संस्था जांच कर रही है। जांच के बाद आतंकवादी गतिविधि में शामिल कोई भी संस्था होगी उसे प्रतिबंधित किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने पटना में आंदोलन करने की दी चेतावनी। अपने बिहार दौरे के क्रम में बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत तख्त श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन करने के लिए पहुंचे पटना साहिब में, जहां उन्होंने मत्था टेक कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पटना में भी किसान आंदोलन करने की चेतावनी नीतीश सरकार को दी। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों ने पलायन किया तो डबल इंजन की सरकार के खिलाफ पटना को नई दिल्ली बना देंगे। उन्होंने कहा कि बाजार समिति और मंडी को सरकार पुनः बहाल करे, की कोई भी जमीन नहीं बिकेगी, यह जमीन किसान की है। तो वहीं देश भर में खाने पीने की कुछ चीजों पर जीएसटी बढ़ाने के मामले पर टिकैत ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि महंगाई के खिलाफ देश भर में बड़े आंदोलन की जरूरत है। बिहार आएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जल्द ही बिहार दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं। उनका यह दौरा 2 दिवसीय होने वाला है, जिसके तहत वे 30 और 31 जुलाई को बिहार में ही रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा इस बार बेहद खास मकसद से बिहार आ रहे हैं। दरअसल इस दौरान वे पार्टी के 7 मोर्चों के कार्य समिति की संयुक्त बैठक में भाग लेंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब भाजपा के 7 मोर्चा यानी कि युवा, महिला, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी, एसटी और संख्यक मोर्चा के कार्य समितियों की बैठक एक साथ होने जा रही है। ऐसे में यह बैठक बिहार भाजपा को मजबूत करने के लिहाज से बेहद खास मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम अभी से किए जा रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। साल 1883 में आज ही के दिन कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन साल 1962 में भारत चीन के बीच सीमा पर युद्ध हुआ था। आज ही के दिन साल 1963 में काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। आज ही के दिन साल 1988 में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट 1C का प्रक्षेपण हुआ था। साल 2007 में आज ही के दिन वॉशिंगटन में 4 दिन के विचार विमर्श के बाद भारत अमेरिका परमाणु समझौते का प्रारूप तैयार किया गया था। आज के दिन साल 2007 में प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। आज के दिन मशहूर फिल्मी गीतकार आनंद बख्शी का जन्म साल 1930 को हुआ था। आज के दिन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान का जन्म साल 1947 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी का निधन आज के दिन साल 1906 में हुआ था। 13 पायदानों के उछाल के साथ हार्दिक पांड्या ने टॉप 10 में मारी एंट्री। भारतीय टीम और प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में हार्दिक पांड्या को जबरदस्त फायदा हुआ है। आईसीसी की ताजा वनडे ऑलराउंडरों की रैंकिंग में पांड्या ने टॉप 10 में जगह बना ली है। 13 पायदानों की छलांग के साथ ही हार्दिक पांड्या 242 रेटिंग प्वाइंट के साथ 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो वहीं इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज के आखिरी और निर्णायक मैच में हार्दिक ने 4 विकेट चटकाए और 71 रनों की पारी खेली। भारत ने 5 विकेट से मुकाबला जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि वनडे ऑलराउंडरों की रैंकिंग में पहले नंबर पर बांग्लादेश के शाकिब अल हसन हैं, दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और राशिद खान मौजूद हैं। व्हाट्सएप पर आसानी से बदल सकते हैं मनपसंद भाषा। व्हाट्सएप के कुछ फीचर्स के बारे में यूजर्स को कम पता होता है, जैसे कि भाषा बदलने का फीचर। जी हाँ, एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स व्हाट्सएप की भाषा को बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने डिवाइस में व्हाट्सएप ओपन करें, उसके बाद सेटिंग के ऑप्शन पर जाएं और चैट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से ऐप लैंग्वेज को सेलेक्ट करें और अब आपके सामने कई भाषाओं के ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। उसमें से आप अपने अनुसार कोई भी भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं। बिहार में मिले कोविड 19 के 450 से ज्यादा मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 469 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2350 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 15, औरंगाबाद में 5, बांका में 7, बेगूसराय में 8, भागलपुर में 25, भोजपुर में 3, दरभंगा में 7, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 13, गोपालगंज में 2, जमुई में 6, जहानाबाद में 3, कैमूर में 7, खगड़िया में 7, किशनगंज में 6, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 8, मुंगेर में 13, मुजफ्फरपुर में 30, नालंदा में 7, पटना में 189, पूर्णिया में 3, रोहतास में 9, सहरसा में 22, समस्तीपुर में 11, सारण में 6, शेखपुरा में 3, सीतामढ़ी में 11, सीवान में 5, सुपौल में 20, वैशाली में 4, पश्चिमी चंपारण में 4 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 4 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके
साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,14,173 सैंपलों की जांच की गई। इस दौरान 493 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था। आप में से जिन यूजर्स ने हमें कमेंट करके अपना जवाब दिया उनके नाम है अनमोल पुष्कर, रामबली कुमार, अनु कुमारी, श्याम मिश्रा, कुसुम कुमारी, अंशु कुमारी, गौतम कुमार, सन्नी कुमार, सुचित यादव, बिहारी साहब, शंकर मुखिया, संतोष कुमार, गुड्डू कुमार प्रसाद, रोशन कुमार, मोहम्मद शहाबुद्दीन, राजकुमार प्रसाद, दीपक कुमार, मुन्नारा, सिद्धार्थ कुमार और जितेंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार देश में बढ़ती महंगाई के बीच जीएसटी की दर में बढ़ोतरी से आपके जीवन पर कितना असर पड़ेगा। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरें से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।